हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक साधारण ब्याज के सवालों को कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक 10 बरस में ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दिया जाएगा, इस शर्त पर 1,000 रुपया की राशि को 5% की दर से लगाया गया। बताया कि कितने वर्षों में मिश्र धन 2,000 रुपया हो गए। देखिए, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। 1,000 रुपया की राशि को इस शर्त पर लगाया जाता है कि 10 बरस में जो ब्याज मिलेगा उसको मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। टी बराबर 10 बरिस है, 5% की दर से रेट दिया है, तो 1 साल में 5% मिल रहा है प्रति वर्ष की दर से, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 50% ब्याज मिलेगा, और जो ब्याज मिलेगा उसको मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। इसका 50% क्या होगा, 1,000 का 50% निकालिएगा तो 500 होगा, 500 मूलधन में जोड़ देंगे तो अमाउंट 1,500 रुपया हो गया। ये तो अपना क्या हो गया, 10 बरस का इतना हो गया। अब कह रहा है कितने वर्षों में ये आपको क्या हो जाएगा, मिश्र धन 2,000 हो जाएगा। 1,500 से 2,000 कितने वर्षों में हो जाएगा, रेट तो आपको 5% दिया है, 5% की दर से, तो 2,000 हो जाएगा। मतलब ब्याज कितना मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा 500। ब्याज कितना मिलेगा, 500। ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको दर रेट बोलते हैं। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 500 मिला है तो इसको R इंटू टी ब्याज को बोलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा R इंटू टी। देखिए, यहाँ से ये 2 जीरो गया तो ये हो जाएगा आपको 500 से 100 और 5 3 15, इतना प्रतिशत आपको क्या हो जाएगा, ब्याज मिलेगा। और यहाँ से R का मान क्या दिया है, 5% इंटू टी बराबर 100/3%। तो हम 500 इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बार में। तो टी का मान यहाँ से क्या आ गया, टी का मान आ गया 3 6 18, 6.2/3। टी का मान क्या आ गया, 6.2/3। तो आपसे क्या पूछा है कि कितने वर्षों में, तो 1,000 रुपया 10 बरस में 1,500 हो गया, फिर 6.2/3 वर्षों में 1,500 से 2,000 हो गया, तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम आपको हो गया 10 + 6.2/3, 16.2/3 वर्षों में 1,000 रुपया 2,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 800 रुपया 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना अतिरिक्त, मतलब कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। देखिए, 800 रुपया है, 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर को हम बढ़ाते हैं 3% बढ़ा देते हैं, 3% बढ़ाएंगे तो समय का मान 3 दिया है, तो 3 वर्ष में 9% बढ़ेगा, 800 का 9% निकालेंगे तो 72 रुपया आएगा। मिश्रधन क्या हो गया, 2,992 रुपया आपको मिश्रधन प्राप्त होगा। क्वेश्चन में मिश्रधन ही पूछा है जिसका मान 992 रुपया आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष में 405 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। बताएं कि उसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, क्वेश्चन में क्या करें, 9% वार्षिक ब्याज
9% जो है ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर है, तो एक वर्ष में 405 रुपये ब्याज, जब 9% तो वार्षिक ब्याज की दर है तो पूरा एक साल में 405 रुपया ब्याज मिलता है। अगर ब्याज की दर हम 9 से 10% कर देते हैं, 10% वार्षिक कर देते हैं, तो ब्याज क्या होगा, इससे कटाएंगे तो 9 चौक 36, 9 5 45, 10% के हिसाब से कितना, 450 रुपया ब्याज मिल जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना हो गया, 450 माइनस 405 बराबर 45 रुपया, क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, तो 50 रुपया नहीं 45 रुपया अतिरिक्त ब्याज, 45 रुपया मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए कह रहा है कि किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 800 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताया कि वह राशि क्या है, वह राशि मतलब मूलधन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, वह राशि का मतलब मूलधन होता है। तो देखिए रेट जो आपका है 4% टी है 5 वर्षों में, तो आपका ब्याज क्या होगा, आर इंटू टी को ब्याज बोलते हैं, आर इंटू टी करेंगे तो 5 × 20% हो जाएगा। इसी 20% का मान दिया है कि 800 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, 100% का मान क्या होता है, मूलधन होता है, इसका कितना गुना, 5 गुना, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, 4000 रुपया आपको क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। वह राशि क्या है, तो 4000 रुपया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2240 रुपया और 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। कोई धन हम मान लेते हैं यक्स है, टी बराबर 2 वर्षों में 2240 रुपया हो जाती है, वही धन 5 वर्षों में, टी बराबर 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है। यहाँ से अगर हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 रुपया हो जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 3 वर्षों में 360 रुपया ब्याज मिलता है, तो एक वर्षों में क्या हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। तो ये 2 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, 120 दूना 240, और अमाउंट में से ब्याज को घटा देंगे तो क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन क्या है आपका, 2000 रुपया है, मूलधन कितना आया, 2000 रुपया आया। देखिए हम कोई धन यक्ष माने हैं, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कोई धन यक्ष माने हैं, तो कह रहा है कि ये यक्ष जो धन है वो 2 वर्षों में 2240 रुपया हो जाता है, और वही धन 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है। तो मतलब यहाँ से 3 वर्ष में 360 रुपया ब्याज मिला है, तो एक साल में 120 रुपया होगा, तो यहाँ 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 240 रुपया, अमाउंट में से ब्याज को घटा दिए हैं तो मूलधन आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए कह रहा है कि दो बैंकों ए तथा बी में साधारण ब्याज की दर से 4:7 का अनुपात है, एक व्यक्ति अपने कुल बचत इन बैंकों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि उसे दोनों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले, ए तथा बी बैंकों में यह किस अनुपात में अपनी बचत जमा करेगा। देखिए कह रहा है कि दो बैंक है ए तथा बी, एक 4 के अनुपात में अगर ब्याज दे रहा है तो दूसरा, एक 4% दे रहा है तो दूसरा 7% दे रहा है, तो एक व्यक्ति जो है अपनी बचत को दोनों बैंक में रखना चाहता है, 4% वाले बैंक में भी और 7% बैंक वाले में भी, इस प्रकार रखना चाहता है कि दोनों से जो ब्याज मिले वो समान मिले, तो वह किस अनुपात में वह जो बचत उसका पैसा बचेगा वो बैंक में जमा करेगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है, देखिए बैंक ए तथा बी है, ये रेट दे रहा है, ए मान लो 4% दे रहा है तो बी 7% दे रहा है, ये 4 दे रहा है तो ई 7 दे रहा है, तो कह रहा है कि व्यक्ति जो है वो अपनी
किस अनुपात में इसमें पैसा लगाए कि समान ब्याज मिलना चाहिए। तो देखिए, हम रेट का उल्टा अगर धन लगा देते हैं, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 7 5 4 होगा। हम रेट का उल्टा धन लगा देंगे तो जो बचत मिलेगा बैंकों से वह समान मिलेगा। देखिए कैसे समान मिलेगा इसको देखते हैं। रेट का उल्टा धन लगा देते हैं तो देखिए ब्याज क्या होता है। तो ब्याज होता है मूलधन गुने दर बटा में 100 अगुने समय। तो यहाँ समय क्या है, समय मान लेते हैं एक है, तो ये क्या हो जाएगा, 28% यहाँ से मिलेगा ब्याज, ई ए के लिए हो गया। वैसे ही बी के लिए क्या हो जाएगा, ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने आर बटे 100। तो आर का मान क्या है, 7, मूलधन 4 है, मूलधन गुणे दर बटा 100 गुने समय। समय एक माने हैं तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 28% हो जाएगा। तो ब्याज क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि रेट का उल्टा धन लगा देंगे तो जो मूल आपको जो ब्याज मिलेगा वह समान अनुपात में मिलेगा। यही आंसर होगा। आंसर क्या होगा, रेट का उल्टा आपको धन लगा देना है। रेट का उल्टा धन लगा देंगे बैंकों में तो जो ब्याज मिलेगा वो समान मिलेगा, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो ये टर्म याद रखने वाली है, एग्जाम में ये चीज़ हमको याद रहेगा कि रेट का उल्टा धन लगा देंगे तो ब्याज समान मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, कह रहा है यदि 3 वर्षों में 1200 रुपये पर प्राप्त ब्याज 1000 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 30 रुपया अधिक है तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है। 1200 रुपया पर जो ब्याज मिल रहा है वो 1000 रुपया पर मिलने वाले ब्याज से कितना अधिक है, तो 30 रुपया अधिक है। हम चलो लिख दिए कि 30 रुपया अधिक है। 3 वर्षों में 1200 रुपया पर मिलने वाला ब्याज 1000 रुपया पर मिलने वाले ब्याज से 30 रुपया अधिक है। कितना, 3 वर्षों में, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। ये डिफरेंट कितना आया है, किस पे आया है, तो 1200 रुपया पर, यानी 200 रुपया ज़्यादा है तो उसी ज़्यादा पर ही ज़्यादा ब्याज मिला है। तो ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को दर बोलते हैं। तो इसे ही कटा देंगे, 5% इसका मान हो जाएगा। दर का मान क्या हो जाएगा, 5%। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेट ज्ञात करें, दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो दर का मान क्या आ गया, 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है, रमेश ने सुरेश को 600 रुपये 2 सालों के लिए और आरिफ को 150 रुपये 4 सालों के लिए कर्ज दिया। 600 रुपया 2 सालों के लिए प्लस आरिफ को 150 रुपया 4 सालों के लिए। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 15 चौका 60, 12 6 1800 रुपया। और आगे कह रहा है, उसे दोनों से कुल 90 रुपया ब्याज मिला। यदि ब्याज साधारण हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज कितना मिला है, 90 रुपया, और ब्याज साधारण है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर क्या होता है, 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो 18 5 90, दर क्या हो गया, 5%। हम आपको शुरू से एक ही चीज़ चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि ब्याज, 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को दर बोलते हैं। ई टर्म जो हमारा एसआई बताने का तरीका है इसमें बहुत बार आ रहा था, इसलिए इस टर्म को पकड़ के रखना और इसी टर्म को पूरा एसआई का क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति को किसी राशि पर प्रथम वर्ष 300 तथा द्वितीय वर्ष 330 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। किसी राशि मान लीजिए यक्ष है, टी बराबर प्रथम वर्ष में 300 तथा दूसरा वर्ष में, अगले वर्ष 1 वर्ष में
तो दूसरा वर्ष में 330 रुपया ब्याज मिलता है। तो मूलधन ज्ञात करें, मूलधन क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो 330 रुपया मिला है, इसमें 300 क्या है, मूलधन है, और 30 रुपया ब्याज है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेट निकल जाएगा। रेट का मान क्या हो जाएगा, एक साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को दर बोलते हैं। तो दर का मान 10% यहाँ से आ गया, तो यहाँ रख देंगे। आर का मान 10% हो गया, आर का मान 10% दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10% दिया है, 10% का मान 30 है, तो 100% का मान क्या होता है, ये 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना 3000 रुपया हो जाएगा। और 100% का मान हमको मूलधन देता है, मूलधन एक्स का मान क्या हो गया, 3000 रुपया हो गया। यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि मूलधन ज्ञात करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कुछ एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई। 6 महीने बाद उसने उतनी राशि 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर लगाई। जब प्रत्येक में अलग अलग मिश्रधन 2300 रुपया हो गया तो वह पैसा निकाल लिया। प्रत्येक दशा में लगाया गया धन क्या था। देखिए कह रहा है कुछ धनराशि 5% वार्षिक की दर से, 5% वार्षिक की धन से कुछ राशि साधारण ब्याज पर लगाया। तो हम मान लेते हैं टी वर्षों के लिए 5% की दर से कुछ धनराशि लगा दिया है। 6 महीना बाद उसने उतनी ही राशि 6 महीना बाद उसने उतनी ही राशि 6 महीना बाद उसने उतनी ही राशि 6% वार्षिक की दर से 6 महीना बाद 6% वार्षिक की दर से उतनी ही राशि 6 महीना बाद टी वर्षों के लिए लगाया है, तो इसमें आधा घटा देंगे। आधा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 महीना बाद हो गया। 6 महीना बाद उसने उतना ही राशि 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर लगाई। जब प्रत्येक दशा जब प्रत्येक में अलग अलग मिश्रधन 2300 रुपया हो गया। देखिए 6 महीना बाद उसने उतनी ही राशि लगाई है, तो ये 5% के दर से टी वर्षों की लगाया है, और 6 महीना बाद 6% की दर से लगाया है। यहाँ से हमको क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से टी का मान निकल के आ जाएगा। देखिए 6T और 5T, तो इधर ले जाएंगे तो घटा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो T बराबर इधर आएगा तो क्या, 3 ईयर आ गया। T का मान क्या आ गया, 3 बरस आ गया। यहाँ से अब कह रहा है कि जब प्रत्येक में अलग अलग मिश्रधन 2300 हो गया तो पैसा निकाल लिया। 2300 मिश्रधन जब हो गया तो T का मान 3 दिया है, हम इसको लेते हैं तो 5 × 3 कितना, 15% क्या हो जाएगा, आपको ब्याज मिलेगा। और 100% मूलधन, 115% बराबर क्या हो गया, 2300 रुपया मिश्रधन हो गया है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 115 से कटा देंगे तो 100% का मान क्या हो गया, 2000 रुपया हो गया। तो बताए प्रत्येक दशा में लगाया गया धन क्या था, तो 2000 रुपया था। प्रत्येक दशा में लगाया गया धन क्या था, 2000 रुपया था। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर 2000 आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि किसी धन पर 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उस राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताए कि वह राशि कितनी थी। आइए वह राशि बताते हैं कितनी थी। टी का मान यहाँ दिया है 10 बरस, रेट का मान दिया है 5%। तो कह रहा है कि उस राशि के आधे के बराबर ब्याज प्राप्त होता है, तो आपको SI क्या हो जाएगा, यहाँ से 50% हो जाएगा। R इंटू टी को क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं, 50% हो जाएगा।
उस राशि के आधे के बराबर ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज 50% होता है। किस राशि के? तो उस राशि के तो वह मूलधन क्या है, पी है। इसके 50% के, जो 50% रेट मिला है, उस राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह राशि मान लीजिए हम पी है, तो पी का 50% कितना आएगा? पी का मान जब दिया ही नहीं है तो हम 50% निकालेंगे कैसे? 50% पी का मान दिया ही नहीं है तो हम 50% का मान नहीं निकाल सकते, अर्थात कहेंगे कि यहाँ ब्याज हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज तो 50% निकल जाएगा, लेकिन कितना होगा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ब्याज कितना है, ये हम नहीं बता सकते हैं। जब ब्याज नहीं बता सकते हैं तो राशि कितनी है, टी दिया है और आर दिया है। टी और आर से जब हमको एस आई का मान ही नहीं बता सकते हैं तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे? तो मिलने वाला ब्याज हमको मालूम नहीं है, इसीलिए हम वह राशि कितनी है मूलधन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि वह राशि कितनी है ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि मूलधन कितना है। अगर मिलने वाला हमको ब्याज पता हो जाता तो हम राशि ज्ञात कर लेते। मिलने वाला ब्याज हमको पता हो जाता, चलो मिलने वाला ब्याज हम मान लिए कि हमको पता हो जाता, एक मान लेते हैं कि 500 रुपया, चलो मान लेते हैं मिलने वाला ब्याज है, तो कैसे मूलधन निकाल लेते? देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं कि 50% बराबर 500 है तो 100% बराबर मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ मिलने वाला ब्याज ही हमको नहीं पता है तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा कि मूलधन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपये निवेश किए, यदि 2 वर्षों के बाद उसे 200 रुपया मिश्रधन प्राप्त हुआ, यदि ब्याज की दर को दुगुना कर दिया जाए तो उसे 250 रुपये मिश्रधन प्राप्त होते हैं, तो बताएं कि मूलधन कितना था। चलो मूलधन हम मान लेते हैं 1 रुपया था। टी बराबर 2 वर्षों के बाद 200 रुपये मिश्रधन प्राप्त हुआ, यदि ब्याज की दर को दुगुना कर दिया जाता है तो उसे 250 रुपया मिश्रधन प्राप्त होता है, यदि ब्याज की दर को दुगुना कर दिया जाए तो उसे 250 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर को दुगुना कर दिया जाए तो 250 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि वह राशि क्या था। देखिए हम यहाँ ब्याज की दर को दुगुना मान लेते हैं, ब्याज 8% मिल रहा है, दुगुना कर दिए तो 2R हो जाएगा। हम दुगुना कर दिए हैं तो ब्याज क्या हो गया है, 2R हो गया है। 2R का मान क्या है, ब्याज कितना मिल रहा है, 2R का मान देखिए, हम मान लिए कि मूलधन 1 रुपया है, 2 वर्षों के बाद मिश्रधन के रूप में 200 प्राप्त होता है, यदि ब्याज की दर को दुगुना कर दिया जाता है, क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर को दुगुना कर दिया जाता है उसे 250 रुपया मिश्रधन प्राप्त होता है। टी बराबर 2 वर्षों में 250 रुपया मिश्रधन प्राप्त होता है जब रेट की दर को दुगुना कर दिया जाता है। यहाँ हम मान लेते हैं रेट जो था दर 8% से मिल रहा था, तो यहाँ दुगुना करेंगे तो 2R हो जाएगा, तो 8% की दर से तो 50 रुपया, यहाँ 200 रुपया मिश्रधन है, लेकिन जब 2R कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 250 रुपया, यानी 2R जैसे ही कर रहे हैं आपको 50 रुपया क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इतना बढ़ा रहे हैं तो प्लस 50 रुपये क्या है, ब्याज बढ़ जा रहा है।
तो यहाँ से आर का मान आपको कहाँ आ जाएगा, यहाँ से आर का मान आ जाएगा आपको 25, यहाँ से आर का मान क्या आ जाएगा 25। तो एक साल में 25 रुपया और अगले साल में 25 रुपया, इस तरह से 2 साल में आपको 50 रुपया मिल के आपको क्या हो जा रहा है, अमाउंट 200 रुपया बन रहा है। यहाँ से +25 और यहाँ से +25, एक साल में 25, एक साल में 25 मिल के अमाउंट आपको क्या बन रहा है, 200 रुपया बन रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, मूलधन जो हो जाएगा अमाउंट में से अगर हम ब्याज को निकाल देते हैं तो मूलधन 25 25 50 निकालेंगे तो मूलधन क्या हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। तो ये कम मिल रहा है, जब आर प्रतिशत की दर से मिल रहा है तो ब्याज +25 50 +25 मिल रहा है। जब हम दर को दुगुना करते हैं तो ब्याज भी क्या मिलेगा, दुगुना मिलेगा। जब ब्याज दुगुना मिलेगा तो अमाउंट भी आपको बढ़ जाता है, 200 से बढ़कर कितना हो जाता है, 250 हो जाता है। तो आपका मूलधन क्या आ जाएगा, 150 रुपया आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिए और यहीं तक रुकते हैं। हम जितना अभी तक बताए हैं आपको उसको प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी एडिशन का एक बुक ले लीजिएगा और उसको बनाइएगा, जैसे आर एस अग्रवाल का हो गया, सगीर अहमद का हो गया, और बाज़ार में कई प्रकार के बुकें हैं, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिएगा और बनाइएगा। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद उस बुक से बनाइएगा, देखिएगा सारा क्वेश्चन ये जो हम पढ़ाए हैं अगर प्रैक्टिस है तो बुक का भी लगभग लगभग सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ लिख के पूरा कंप्लीट एसआई का चैप्टर को अपने मुट्ठी में कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।